Hello students, welcome back to Arun's classes. Today we will discuss a poem Dust of Snow by Robert Frost. तो चलिए करते हैं कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्या कहने की कोशिश की है. लेकिन इससे पहले रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये अमेरिकन पोइट थे और इन्हें जो अमेरिका की आवाज़ के रूप में भी जाना जाता है. और उनकी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो नेचर के साथ ही संबंधित है. ज़्यादातर उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएँ ही लिखी हैं और डस्ट ऑफ स्नो भी प्रकृति से ही संबंधित है. और इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो प्रकृति है वो हमारे मूड को चेंज कर देती है, खराब से खराब मूड को भी अच्छे से अच्छा कर देती है. तो कवि इसमें कहते हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, कि जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पर जो था हिला कर फेंका, क्या द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ थी उसका पाउडर. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से फेंका उसने वो डस्ट ऑफ स्नो, एक हेमलॉक ट्री से. हेमलॉक ट्री जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस प्लांट माना जाता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो एक कौआ जो था वो अचानक से आके उस वृक्ष पे बैठता है, जिसकी वजह से जो वृक्ष है वो हिलता है और वहाँ से जो पाउडरी स्नो है वो कवि के ऊपर आकर गिर जाती है, जो वहाँ पे बहुत ही उदास बैठे हुए हैं. हैज गिवन माई हार्ट, तो फिर वो कहते हैं कि जब वो स्नो उनके ऊपर गिरती है, जब वो स्नोई पाउडर उनके ऊपर गिरता है, तो उनका जो दिल था वो एकदम से क्या हो जाता है, चेंज ऑफ मूड. उनकी मनोदशा में एकदम से चेंज आती है. उनका दिल जो उदास था वो बहुत खुश हो जाता है. एंड सेव सम पार्ट, और उनके कुछ पार्ट को बचा के रखता है. किसके पार्ट को, ऑफ अ डे, दिन के जो हिस्सा उन्होंने उदासी भरा समय में बिताया था उसको वो चेंज कर देता है, जिसमें कि कवि ने रिग्रेट किया था. आई हैड रोड मीन्स रिग्रेट करना, कि वो बहुत ही ज़्यादा जो थे पछता रहे थे. समटाइम्स होता है कि हमारा मूड जो होता है वो बहुत स्विंग करता है, हम बहुत उदास खुश होते हैं, ठीक है. तो जो नेचर होती है हमारी उदासी को किस तरह से दूर करती है, जो पाउडरी स्नो थे उसके गिरने मात्र से ही जो कवि थे उनका जो मूड था, जो उनकी मनोदशा थी वो अच्छी हो गई थी. तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.